श्री गोपाल सिंह बिष्ट जी। बिष्ट जी, आप ये बताइए, जिंदाल विधानसभा में कांग्रेस की हार की वजह क्या रही? सबसे पहले मैं भीमताल विधानसभा के नवनिर्वाचित प्रत्याशी पूर्व विधायक राम सिंह खेड़ा को पुनः विधायक बनने पर हार्दिक बधाई दूंगा। और हम शायद कांग्रेस की तरफ से मुद्दों को सही ढंग से जनता के सामने पेश नहीं कर सके, यही हमारी भीमताल विधानसभा से हार का मुख्य कारण रहा। रही बात उत्तराखंड में कांग्रेस की हार का, ये बहुत अफसोसजनक है कि हम इतनी मेहनत करने के बावजूद भी माननीय हमारे प्रीतम सिंह जी, रंजीत रावत जी के नेतृत्व में कांग्रेस एकजुट होने के बावजूद भी हम सत्ता पर, उत्तराखंड की सत्ता पर काबिज नहीं हो सके। इसके लिए मैं मुख्य रूप से हमारे वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी को जिम्मेदार ठहराना चाहूँगा कि जिनकी वजह से उत्तराखंड में कम 17 सीटों पर हमें हार का मुंह देखना पड़ा। उसकी वजह यह है कि हरीश रावत जी एक तरीके से जैसे राष्ट्र में भाजपा ने अपने एजेंट के तौर पर ओवैसी को छोड़ा है, उसी तरीके से उत्तराखंड पर भाजपा ने हरीश रावत जी को अपने एजेंट के तौर पर छोड़ा था। क्योंकि अगर यदि ऐसा ना होता तो वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी की जैसी बातें इस उत्तराखंड में देवभूमि पर नहीं करते। और कई जगहों पर उन्होंने जिन प्रत्याशियों ने जिस जिस सीटों पर पिछले 5-5, 10-10 साल से मेहनत की थी, उन सीटों पर उनको टिकट नहीं दिलवाया। जो बहुत छोटे छोटे मार्जिनों से 2017 में हारे थे उनको रिपीट नहीं किया और अपनी ही मर्जी से वो चलते रहे। ये इसका पूर्ण दोष जो है वरिष्ठ हमारे कांग्रेस के नेता हरीश रावत जी के ऊपर जाता है।